वक्त रात के करीब 3 बजे, जगह सुल्तानपुर, मौका समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा का। हजारों कार्यकर्ताओं का हुजूम, सड़क पर भीड़ का रेला, ठंड के बीच गूंजते नारे और परिवर्तन का ऐलान। तस्वीर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की है, जहां पर समाजवादी पार्टी के लोग अपने नेता अखिलेश यादव के अभिवादन को खड़े दिखाई दे रहे हैं। भीड़ के बीच अखिलेश यादव जोश में लबरेज हैं। करीब 200 किलोमीटर का सफर पूरा हो चुका है, लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं। इस हुजूम को देखकर मिला उत्साह चेहरे पर साफ दिखता है। अखिलेश यादव इस उम्मीद में हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एक बार फिर सत्ता पर काबिज होगी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने माहौल बनाने की पूरी कोशिश शुरू कर दी है। 2 रोज पहले जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सीएम योगी की सभा हुई थी, आज उसी पर समाजवादी पार्टी का रथ निकला है। इस रथ पर सवार हैं अखिलेश यादव, साथ में सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जो एक जमाने में सीएम योगी के किंग मेकर रहे हैं। गाजीपुर से निकली अखिलेश यादव की विजय यात्रा की ये तस्वीरें सुल्तानपुर में रात 3 बजे की हैं। कड़ाके की ठंड में जुटे सपा कार्यकर्ता अपने नेता का अभिवादन करने आते हैं, हाथ हिलाकर स्वागत करते हैं, मालाएं फेंकते हैं, नारे लगाते हैं। लेकिन भीड़ का ये दृश्य सिर्फ सुल्तानपुर में ही नहीं है। गाजीपुर से दोपहर करीब 1 बजे शुरू हुई विजय यात्रा सुल्तानपुर, बाराबंकी और लखनऊ जिलों से होकर गुजरी, तो हर सड़क पर समाजवादियों का रेला दिखाई दिया। भीड़ के बीच समाजवादी पार्टी के इस रथ और अखिलेश यादव को लखनऊ पहुंचने में 16 घंटे का वक्त लगा, जबकि सफर सिर्फ 350 किलोमीटर का था। अखिलेश यादव ने यात्रा के बीच दावा किया कि विजय का रथ समाजवादी सरकार को राजयोग दिलाने के साथ खत्म होगा। दावा किया कि सफर चलता रहेगा। दावा ये भी कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। सुबह निकला था यहाँ से और लगातार यात्रा चली है। गाजीपुर के बॉर्डर से लगभग 1 बजे यात्रा शुरू हुई है। यात्रा और कभी कभी ऐसी यात्राएं करनी चाहिए जो लंबी हों, क्योंकि हिस्टोरिकल यात्रा इसलिए कहूँगा कि एक ही दिन में पूरे एक्सप्रेसवे पे चलना। एक्सप्रेसवे गाजीपुर से शुरू होकर के लखनऊ तक तो था, वो यात्रा तो पूरी हो गई एक्सप्रेसवे की, लेकिन ये समझना कि असली यात्रा ख़त्म हो गई, अभी असली यात्रा के लिए जाना और आगे है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से समर्थन इस यात्रा में मिला है गाजीपुर से लखनऊ तक, आने वाले समय में जनता इसी तरह का समर्थन देकर के एक बार दोबारा समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बने। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने एक बार फिर 2012 वाला दांव चल दिया है। समाजवादी साइकिल यात्रा की जगह विजय रथ ने ले ली है, लेकिन सत्ता के 3 महीने बाद होने वाले चुनाव में क्या ये भीड़ वोटों में तब्दील होगी और क्या उत्तर प्रदेश में भगवा पार्टी पर समाजवादी पार्टी की विजय देखने को मिलेगी? दावों की हकीकत को देखना दिलचस्प होगा।